नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। समाज में सराहनीय कार्य के लिए संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित महिला टीम को किया गया सम्मानित। विंटेज कार रही आकर्षण का केंद्र, जमकर पत्रकारों ने ली सेल्फी। समाज में कर रही है ब्रज यातायात की टीम सराहनीय कार्य। कार्यक्रम संयोजक कमलकांत उपमन्यु मथुरा हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर 31वें नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा ब्रजवासी रॉयल होटल मथुरा में आयोजित पत्रकार दिवस कार्यक्रम में समाज के लिए मथुरा में सराहनीय कार्य करने वाली सामाजिक संस्था ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति राजस्थान उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित व महिला प्रदेश अध्यक्ष श्वेता शर्मा, उपाध्यक्ष व बाल न्याय बोर्ड की सदस्य वंदना शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष वंदना सक्सेना, प्रदेश महासचिव चंद्रमोहन दीक्षित को समाज की लगातार सेवा के साथ सराहनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। दीक्षित गाड़ी वाले के द्वारा विंटेज कार का बनाया गया सेल्फी पॉइंट रहा आकर्षण का केंद्र। पत्रकारों ने विंटेज कार के साथ जमकर लिए फोटो। संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कार्यक्रम संयोजक कमलकांत उपमन्यु के साथ सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी पत्रकारों को दी बधाई। सम्मान देने वालों में पीठाधीश्वर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वरी स्वामी कैलाशानंद गिरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी, पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश, कार्यक्रम संयोजक कमलकांत उपमन्यु, अलका उपमन्यु, सोमेंद्र भारद्वाज, विवेक प्रिय आर्य रहे शामिल। कार्यक्रम का संचालन अनंत शर्मा के द्वारा किया गया। मथुरा से सपना ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।